पहले की बात है, एक माँ ने अपने ही लखते जिगर के गले पर छुरी चला दी कि वो बदनसीब इस धरती के अनाज में से अपना हिस्सा तलब कर रहा था। सिर्फ चंद लम्हों के लिए महसूस कीजिए, सामईन महफिल महसूस कीजिए कि जिस वक्त वो माँ अपने कांपते हुए हाथों को फौलाद बना रही थी, उस वक्त इस मुल्क के हुक्मरान कोठियां और महल तामीर कर रहे थे। जिस वक्त वो माँ अपने ही लाडले के गले पर छुरी चलाते हुए ममता का कलेजा कुर्बान कर रही थी, उस वक्त इसी मुल्क में हुक्मरानों के बच्चों के अकीकों पर 50-50 बकरों की कुर्बानी जारी थी, और जिस वक्त वो 2 माह का मासूम अपने ही लहू में तर गरम छुरी की धार महसूस कर रहा था, उस वक्त इस मुल्क के हुक्मरान अयाशी में डूबे हुए थे, उनके घोड़े मुरब्बे और उनके कुत्ते गोश्त खा रहे थे। राजन के बारे में क्या कहूँ खुलकर, मीरे कारवां यारो, मीरे कारवां यारो। सरयाली वकार, जब मैं इस मुआशरे को मुआशरती इकदार के तराजू में तोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ इकतदार इख्तियार जागीरो विरासत का रूप धार चुके हैं। मैं देखता हूँ कि यहाँ रियासत अवाम के लिए साहिबा नहीं, महज चंद खानदानों के लिए पासवान है। मैं देखता हूँ कि हुक्मरानों के महलों में बिजली की बंदिश पर इंक्वायरियाँ तो बैठ सकती हैं, मगर जून की गर्मी में सिसकते बिलकते बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं देखता हूँ लहलहाते हुए खेतों में जवानी का समा, मगर किसान के घर में न बत्ती न धुआं। मैं देखता हूँ हुक्मरानों के तन पर लाखों का लिबास, अवाम के बदन पर फटे चीथड़े। तो फिर मैं अलल ऐलान कहता हूँ कि हमारा मसला गुर्बत नहीं, क़यादत है। हमारा मसला गुर्बत नहीं, क़यादत है। सदरियाली वकार, मैं मान लेता कि हमारा मसला क़यादत नहीं अगर हम IMF के भिखारी ना होते। मैं मान लेता कि हमारा मसला क़यादत नहीं अगर हमारे अरबाब इख्तियार डॉलरों की खातिर गैरों के आगे हाथ ना फैलाते। चंद रूपों के इवज इस मुल्क की इज्जत और तौकीर को गिरवी रखने वाले इन हुक्मरानों ने आज हमसे एक गैरतमंद कौम कहलवाने का हक छीन लिया है। आज उसी गुलामी की जंजीर से बंधे जा रहा है जिसे आज़ाद कराने के लिए कई गरीब मुसलमानों ने अपने लहू से मक्तल गाहों को सजाया था, कई आदम की बेटियों ने अपनी असमतों को सरे बाजार नीलाम करवाया था, कई शहीदों ने इस गुलिस्तां को सजाने के लिए अपना लहू तक बहाया था। मैं पूछता हूँ यहाँ बैठे हर शख्स से, क्या यह है वो पाकिस्तान? नहीं, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला ये पाकिस्तान मेरे कायद का पाकिस्तान नहीं, बल्कि ये आज के हुक्मरानों का पाकिस्तान है। आखिर में मैं अयाशी में डूबे इन हुक्मरानों पर यह वाजे करना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने इसी तरह अपनी नाम नेहाद क़यादत की कमजोरियों को गुर्बत का नाम देकर छुपाने की कोशिश की, तो वो दिन दूर नहीं जब इस वतन अजीज का बच्चा बच्चा इन्हें यूं ललकारेगा, तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून,